ओके अ शाफ्ट इज सपोर्टेड बिटवीन टू बेरिंग्स टू मीटर्स अपार्ट एंड एक्सटेंडेड जीरो पॉइंट फाइव मीटर बियॉन्ड बेरिंग एट ईच एंड ओके अ शाफ्ट सपोर्टेड बिटवीन टू बेरिंग्स टू मीटर अपार्ट तो दो बेरिंग्स है तो बेरिंग्स में डिस्टेंस है टू मीटर्स ओके बियॉन्ड बेरिंग एट ईच एंड द शाफ्ट कैरीज थ्री पुलिस वन ऐट ईच एंड एंड वन इन द मिडल तो बेरिंग्स के यहाँ पे 0.5 मीटर पे बेरिंग्स के यहाँ पे भी 0.5 मीटर पे और एक मिडल पे ऐसे तीन पुलिस लोकेटेड है ओके okay? बेरिंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है टू मीटर अपार्ट है बेरिंग और पुली के बीच में पॉइंट इधर ज़ीरो और एक सेंटर में पुली है ओके थ्री पुलिस इट ईच एंड वन एंड द मिडल ऑफ इट्स लेंथ द मासेस ऑफ एंड पुलिस आर फिफ्टी एंड ट्वेंटी फाइव के जी तो इस पुली का मास मान लो फिफ्टी के जी है तो so, इस पुली का मास कितना है ट्वेंटी फाइव के जी तो हम इसको लिखते हैं फिफ्टी के जी ये कितना है ट्वेंटी फाइव के जी आफ्टर दैट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ट्वेंटी एम एम एंड फिफ्टीन एम एम तो पुली ए का मास है फिफ्टी के जी तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पुली ए मास फिफ्टी के जी एट रेडियस कितना ट्वेंटी एम एम ट्वेंटी फाइव के जी और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिफ्टीन एम एम मास सी कितना है एम सी ट्वेंटी फाइव के जी रेडियस कितना फिफ्टीन एम एम आफ्टर दैट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द शाफ्ट द सेंटर पुली हैज़ अ मास ऑफ सिक्सटी के जी सेंटर पुली का मास कितना है सिक्सटी के जी एंड इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ट्वेंटी एम एम सेंटर पुली का मास सिक्सटी के जी है तो ये सिक्सटी के जी कितना रेडियस पे ट्वेंटी एम एम पर ओके सिक्सटी के जी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्वेंटी एम एम फ्राम द शाफ्ट एक्सिस इफ द पुलिस आर अरेंज सो एज टू गिव द स्टैटिक बैलेंस पुलिस ऐसे अरेंज किए गए हैं कि वहाँ पे स्टैटिक बैलेंस है स्टैटिक बैलेंस मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस क्या है जीरो तो पुलिस के कारण कोई डिस्टरबेंस नहीं है जो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी वो बेयरिंग्स के कारण है द रिलेटिव एंगुलर पोजिशन ऑफ पुलिस मुझे फाइंड करनी है पुलिस की एंगुलर पोजिशन फाइंड करनी है उसके बाद में नेक्स्ट द डायनेमिक फोर्सेस प्रोड्यूस ऑन द बेयरिंग्स व्हेन द शाफ्ट रोटेट्स एट 340 फोर्टी आर पी एम तो शाफ्ट जब 340 फोर्टी आर पी एम पर रोटेट करेगा तो मुझे क्या फाइंड करना है डायनेमिक फोर्सेज प्रोड्यूस ऑन द बेयरिंग्स बेयरिंग्स के ऊपर कौन से डायनेमिक फोर्सेज प्रो बेरिंग्स एल और बेरिंग एम कहते हैं कौन से डायनेमिक फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं वो मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर देते बच्चों तो ये डायग्राम जो है आप रफ में ड्रॉ करना उसके बाद ये डायग्राम जो है इक्वेलेंस सिस्टम की डायग्राम है एल और एम बेरिंग्स इंडिकेट करते हैं सबसे पहले शार्ट स्पीड शार्ट स्पीड एन हमें दिया है टू फोर्टी तो उसका एंगुलर hmm. वेलोसिटी ओमेगा टू एन अपॉन सिक्सटी हम फाइट कर सकते हैं टू पाई टू थ्री फोर्टी अपॉन सिक्सटी कैलसी में करेंगे टू शिफ्ट इंटू थ्री फोर्टी डिवाइडेड बाय ये आंसर डिवाइडेड बाय सिक्सटी थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो रेडियन पर सेकेंड तो ये ओमेगा की वैल्यू है अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे टेबल में हम क्या करेंगे सबसे सब पहले प्लेन ए ओके प्लेन ए पे मास में जो है उसका मास कितना है फिफ्टी के जी तो यहाँ पे फिफ्टी के जी लिख दिया बेरिंग के लिए मास का कोई संबंध नहीं तो डैश कर दिया है फिर प्लेन बी प्लेन बी का मास कितना दिया है सिक्सटी के जी तो सिक्सटी लिख दिया है प्लेन एम पे बेरिंग है बेरिंग का कोई मास नहीं डैश कर दिया है सी 25, 25 केजी फाइव के जी प्लेन सी पे 25 फाइव के जी है उसके बाद में रेडियस देखते हैं रेडियस गिवन है प्लेन ए पे रेडियस कितना गिवन है 20 तो 20 डिवाइड बाई 1000 करूंगा जीरो पॉइंट जीरो टू बेरिंग के लिए बैलेंसिंग रेडियस में आर एल ले ले लेता हूँ आर एल ओके मास बी का जो रेडियस है वो ट्वेंटी दिया हुआ है ट्वेंटी डि थाउजेंड जीरो पॉइंट जीरो टू आफ्टर दैट मास एम के लिए रेडियस हम ले लेते हैं आर एम फिर मास सी के लिए रेडियस ले लेते हैं फिफ्टीन एम एम यानी जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव ओके तो इस तरह से ये टेबल यहाँ पे बन गया है अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली क्या होता है बच्चों एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है तो उसको हम डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसल तो क्या आता है एम इंटू आर तो एम कितना है फिफ्टी इन्टू ज़ीरो पॉइंट जीरो टू फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू फिफ्टी इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू आंसर वन आया यहाँ पे वन लिखा है ओके यहाँ पे मास नहीं है मेरे पास ओके तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे करेंगे यहाँ पे R डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर मास वन एज्यूम करना ओके okay. R डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर लेना यहाँ पे क्या आएगा बी के लिए सिक्सटी इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्सटी इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट टू आ गया यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर क्या रहेगा आर अपॉन ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे सी का वैल्यू क्या रहेगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट जीरो वन फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन फाइव तो इट इज़ ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव ओके बच्चों तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया आर एल और आर एम क्या है मैं फिर से बताता हूँ आर एल इज डायमंड डायनामिक रिएक्शन ऑफ बेरिंग एल ड्यू टू अनबैलेंस्ड डायनामिक कपल तो ये जो है बच्चों दो मिनट मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ आर एल और आर एम ये रेडियस नहीं है आर एल और आर एम ये रेडियस नहीं है ये रिएक्शन फोर्सेस है रिएक्शन फोर्सेस मतलब ये सपोर्ट करते हैं ना इसको सपोर्ट करेंगे तो आर एल और आर एम मैंने गलत कहा था कि ये रेडियस है रेडियस नहीं है वो क्या है फोर्सेस है आर एल और आर एम फोर्सेस है तो फोर्स क्या होता है फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ओके okay. मुझे थ्रू आउट डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर करना है तो यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करूंगा यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसल तो एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज एम इंटू आर में ये क्या कर रहा करो एम इंटू आर करो एम इंटू आर की वैल्यू एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर एफ बेरिंग एल के ऊपर क्या है फोर्स बेरिंग एल के ऊपर आर एल है तो आर एल अपॉन ओमेगा स्क्वायर इसलिए यहाँ पे आर एल अपॉन ओमेगा स्क्वायर आया और यहाँ पे बेरिंग एम पे क्या है आर एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर तो आर एल जो है वो फोर्स है और आर एम क्या है वो भी फोर्स, फोर्स है फोर्स डिवाइड ओमेगा स्क्वायर ये डायग्राम ही ये, ये टेबल ही वो है सेंटिफिकल फोर्स डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर आई yes. एम सो सॉरी मैंने आर मतलब रेडियस का गलत है वो इट इज़ फोर्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर उसके बाद मैं उसको डिस्टेंस एल डिस्टेंस एल लेने के लिए हम किसी को भी रेफरेंस प्लेन ले सकते हैं तो ज़्यादा करके जो अननोन होता है उसको रेफरेंस प्लेन लिया जाता है तो यहाँ पे प्लेन एल लो ना तो एम प्लेन लो तो मैं प्लेन एल ले रहा हूँ अननोन तो एल प्लेन अननोन है तो उसको रेफरेंस प्लेन ले रहा हूँ इसके यहाँ पे नेगेटिव लूंगा यहाँ पे पॉजिटिव तो ये डिस्टेंस कितना है जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो लिख दिया माइनस जीरो पॉइंट फाइव क्योंकि रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में ओके okay. यहाँ पे आर बी का ये खुद एल का डिस्टेंस क्या रहेगा जीरो उसके बाद में प्लेन बी का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा ये वन मीटर ये दो मीटर है ये सेंटर है तो वन मीटर है उसके बाद में प्लेन एम जो है वो डिस्टेंस टू मीटर पे रहेगा यहाँ से दो मीटर पे उसके बाद में यहाँ से ये प्लेन टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव में ओके तो ये बन गया अब कपल क्या है एम आर इंटू एल ये कपल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली कपल रहता है एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल होता है तो इसको डिवाइड बाय हम क्या कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल एम आर एल रहेगा तो एम आर हमारे पास ऑलरेडी है उसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव आर एल अपन ओमेगाक्टू जीरो एलगेट जीरो वन पॉइंट टू इंटू वन एलगेट वन पॉइंट टू आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर स्क्वाट टू इंटू आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर आफ्टर दैट सी के लिए जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव एलगेट जीरो पॉइंट नाइन फोर तो इस तरह से ये टेबल जो है बच्चों ये फॉर्म हो जाता है इसके बाद ये भी आप कर सकते हो अब ये कैसे आता है वो मैं आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखा अब यहाँ पे कैसा है बच्चों सबसे पहले एंगुलर पोजीशंस गिवन नहीं है तो मुझे एंगुलर पोजीशंस निकालना पड़ेगा तो एंगुलर पोजीशंस निकालने के लिए देखो बच्चों यहाँ पे अननोन कितने हैं एक ही अननोन है तो कपल पॉलिकॉन में बना सकता था लेकिन यहाँ पे कितने वेक्टर से देखो वन टू थ्री फोर तो फोर वेक्टर्स हम लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एंगुलर पोजिशन भी नहीं है यहाँ पे कितने अनोने एक दो दो अनों है तो डायरेक्टली पूरा सेंट, फोर्स डायग्राम हम नहीं बना सकते तो हम फिलहाल क्या करेंगे हम क्वेश्चन में एक चीज दी दी थी उसका फायदा उठाएंगे इफ़ द पुलिस आर अरेन्ज सो एज टू गिव स्टैटिक बैलेंस डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑल द पुलिस मतलब क्या हम सिर्फ पुलिस के फोर्सेस कंसीडर करेंगे पुलिस के फोर्सेस कौन है वन वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव तो ये तीन फोर्सेस कंसिडर करके सबसे पहले हम पुलिस के लिए पुलिस के लिए फोर्स पॉलीगॉन बनाएंगे उस फोर्स पॉलीगॉन से मुझे एंगुलर पोजीशन मिलेंगे उसके बाद में हम पूरे सिस्टम के लिए फोर्स पॉलीगॉन बनाएंगे या कपल पॉलीगॉन बनाएंगे वो कैसे करते सिक्वेंस आप देख लो अभी आपके लिए टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया यहाँ पे कौन था यहाँ पे आर एल अपॉन ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कौन था आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कौन है ये जीरो ठीक है आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर ये कौन है टू है इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर ओके चलो अब हम ड्रॉ करना चालू करते हैं सबसे पहले पुली ए के लिए वन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे आप स्केल ले सकते हो बच्चों आप वन जो है उसको फाइव सेंटीमीटर ड्रॉ करो तो वन के जी मीटर इज़ वाट फाइव सेंटीमीटर तो मैं क्या कर रहा हूँ फाइव सेंटीमीटर इक्वल टू वन के जी मीटर लेकिन स्केल हमेशा कैसे लिखते हैं हम वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन बाय फाइव के जी मीटर फाइव नीचे डिवाइड हो गया वन सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ फिर टू के जी मीटर हम वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइव मतलब फाइव टाइम्स हम जूम कर रहे हो उसको तो ये फाइव में ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन ये पुली ए के लिए था इसको मैं वन लिख देता हूँ आफ्टर दैट पुली बी के लिए वन पॉइंट टू है वन पॉइंट टू को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइव से हम पूरी डायग्राम को जूम कर रहे हैं ना वन पॉइंट टू इन सिक्स आ रहा है तो सिक्स मैं ड्रॉ करूंगा ये ओ ये कौन था ए तो सिक्स कैसे करेंगे राउंडर सिक्स लेंगे ए से सिक्स पे आर्क उसके बाद में नेक्स्ट कौन है जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव को थ्री सेवन फाइव इंटू फाइव तो रहा है वन पॉइंट एट सेवन फाइव वन पॉइंट एट सेवन फाइव यानी वन पॉइंट नाइन सेंटीमीटर ले लो यार थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था ये दोनों आर्स कट करते हैं उनको ज्वाइन कर दो ये जो था बच्चों ये किसके लिए था वन पॉइंट टू ये क्या था जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव ये कौन है? ये बी है ओके अब इनके हेल्प से आप एंगुलर पोजीशंस लोकेट कर सकते हैं ये फोर्स पॉलीगॉन फोर्स पॉलीगॉन कैसा फोर्स पॉलीगॉन है विदाउट बियरिंग्स मैंने ड्रॉ किया है अब पुलिस का लोकेशन मैं इनके हेल्प से लोकेट कर दूंगा सबसे पहले जो पुली मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूँ वो पुली ए है ऑफ मास एम ए आफ्टर दैट सेकेंड पुली विथ मास एम बी इसको पैरल ड्रॉ कर लो ये सेकेंड पुली विद मास एम बी और थर्ड पुली मास एम सी तो इसके हेल्प से मैं एंगुलर पोजीशन लोकेट कर पाया ओके okay. अब इनके एंगल्स में लिख देता हूँ ये एंगल कितना रहेगा ये एंगल जो है वन सिक्सटी फाइव डिग्री है आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोटेक्टर मैं फिर से रखता हूँ सिक्सटी के आगे ये सिक्सटी वन सिक्सटी और वन सेवेंटी के बीच में वन सिक्सटी फाइव अब नेक्स्ट एंगल जो है वो कितना है मैं ऐसे मेजर करता हूँ उल्टा मेजर करता हूँ ये यहाँ से कितना है सिक्सटी फाइव है सिक्सटी फाइव है तो ये पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री होता है थ्री सिक्सटी माइनस सिक्सटी फाई थ्री सिक्सटी माइनस सिक्सटी फाइ टू नाइन्टी फाइ ओके okay. मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ सिक्सटी फाइव नहीं है सिक्सटी थ्री है ओके okay. तो थ्री सिक्सटी माइनस सिक्सटी थ्री टू नाइन्टी सेवन तो टू नाइन्टी सेवन जितना आया उतना लिख दो तो ये एंगल टू नाइन्टी सेवन डिग्री टेक्सट बुक के एंगल्स मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक में ये एंगल 165 है आया है और दूसरा जो एंगल है 285 एटी फाइव आया है तो मेरा थोड़ा फ़र्क है लेकिन उतना तो चल जाता है ओके ये किसका एंगल है एंगुलर पोजीशन और मास बी का है और ये किसका एंगुलर पोजीशन है मास सी का है ओके बाकी यहाँ पे नहीं दिखा है तो भी चलता है इस डायग्राम में आपने दिखाना चाहिए ये कौन है एंगुलर पोजीशन की डायग्राम है एंगुलर पोजीशन अब ये हो जाने के बाद अब मेरे पास बच्चों एंगुलर पोजीशन है तो मैं कपल पॉलीगॉन या फोर्स पॉलीगॉन से शुरुआत करूंगा तो फोर्स साइंटिफिकल फोर्स पॉलीगॉन से डायरेक्ट शुरुआत नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कितने अनोन है दो अनोन है तो मैं शुरुआत जो है बच्चों कपल पॉलीगॉन से करता हूँ कपल पॉलीगॉन से कैसे करूंगा यहाँ पे भी स्केल लेना पड़ेगी ये स्केल किसके लिए है वन सेंटीमीटर इक्वल टू जीरो पॉइंट टू के जी मीटर या फोर स्कॉलिगर तो यहाँ पे भी स्केल जो है सेम स्केल लेता हूँ मैं मैं फाइव टाइम्स जूम करता हूँ इस डायग्राम को भी ओके क्योंकि इसको फाइव टाइम्स जूम करने से फायदा है बनाने में आसानी होगी ये इसको तो फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं चलो फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव तो टू पॉइंट फाइव होता है और ये नेगेटिव साइन है एम ए जो है राइट साइड मूव कर रहा है तो मैंने लेफ्ट साइड मूव करना चाहिए कितना सेंटीमीटर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके तो हम बनाने जा रहे कौन सा पॉलीगॉन कपल पॉलीगॉन ओके तो ओ ए मैं ड्रॉ करता हूँ इसको पैरेलल आएगा हमारा लाइन कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करूँ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके लेट मी से दिस इज माय डिस्टेंस टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दिस इज ओ एंड दिस इज ये क्या ड्रॉ किया मैंने माइनस जीरो पॉइंट फाइव ड्रा किया उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये जीरो जीरो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू को इंटू फाइव करेंगे सिक्स आ रहा है वन पॉइंट टू इंटू फाइव सिक्स तो नेक्स्ट जो है सिक्स सेंटीमीटर में ड्रॉ करूंगा इरेजर किसको पैरेलल आएगा भी ये एम बी को पैरेलल होगा सिक्स सेंटीमीटर लेंथ होगा इसका इसको बी नाम देंगे और ये क्यों नन पॉइंट टू फाइव सॉरी ओनली वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू ओके उसके बाद में नेक्स्ट कौन है ट्वाइज आर एम ओमेगा स्क्वायर ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आर एम और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर चलो हमें पता है लेकिन आर एम का वैल्यू नहीं पता नेक्स्ट मैं जीरो पॉइंट नाइन फोर ड्रॉ करता हूँ जीरो पॉइंट नाइन फोर कैसे ड्रॉ करोगे जीरो पॉइंट नाइन फोर इंटू फाइव करेंगे फोर पॉइंट सेवन तो वो मास सी को पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे की तरफ कितना फोर पॉइंट सेवन फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट सेवन ओके तो ये हो गया जीरो पॉइंट नाइन फोर लेकिन मैंने ड्रा करते वक्त फोर पॉइंट नाइन सेवन सेंटीमीटर ड्रॉ किया है अब इसको मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूंगा ये जो है ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों ये तो सी था ये बेरिंग का ट्वाइस आर एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंडिकेट करता है इंडिकेट करता है ट्वाइस आर एम अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ये कितना सेंटीमीटर है मैं मेजर कर लेता हूँ ये है सिक्स पॉइंट एट सेंटीमीटर तो हम अब तक क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई बाय फाइव कर रहे थे अब डिवाइड बाय फाइव कर देता हूँ सिक्स पॉइंट एट डिवाइड बाई फाइव यानी इसकी वैल्यू कितनी है वन पॉइंट थ्री सिक्स तो ये है वन पॉइंट थ्री सिक्स इक्वल टू टवाइस आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर अब इसके हेल्प से मैं आर एम फोर्स फाइंड कर सकता हूँ ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है एन मेरे पास गिवन है थ्री फोर्टी आर पी एम ओमेगा ओमेगाइस टू एन अपॉन सिक्सटी टू पाई इंटू थ्री फोर्टी अपॉन सिक्सटी ये मैंने कैलकुलेशन आपको प्रीवियसली करके दिखाया इस वीडियो में आंसर आता है थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स वन रेडियन पर सेकेंड ओके पॉइंट के बाद थोड़ा इधर उधर हो जाए तो चलता है अब तो ये कैसे सॉल्व करूंगा या से वन पॉइंट थ्री सिक्स इजिकल टू टाइस आर एम ओमेगा की वैल्यू थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स वन का स्क्वायर तो ये तब वो साइड जाके मल्टीप्लाई करेगी और टू नीचे जाके डिवाइड करेगा तो आर एम जो है वन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ये आर एम की वैल्यू है तो आर एम हमारा आ जाएगा वन पॉइंट थ्री सिक्स इन थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो वैल्यू आती है एट सिक्सटी टू पॉइंट टू एट न्यूटन ओके तो टेक्स बुक में आंसर कैसा है आरएम का नाइन फिफ्टी वन पॉइंट वन जीरो फाइव न्यूटन आया हमारा आरएम का आंसर कितना आया एट सिक्सटी टू पॉइंट टू एट आया तो एर आते रहते कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ते बच्चों उसके बाद में अब नेक्स्ट ड्राइंग में आर एम आ गया है नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल तो आर एल का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा? चलो हम काम चालू करते हैं सबसे पहले ये जो है मैं लोकेट कर देता हूँ आर एम की एंगुलर पोजिशन ये आर एम की एंगुलर पोजिशन है यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ ये एम प्लेन बेयरिंग के लिए ओके ओके नेक्स्ट अब मैं फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करूँगा सबसे पहले प्लेन एक के लिए वन सेम स्केल लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिया स्केल वन सेंटीमीटर इज़ ज़ीरो पॉइंट टू मीटर ओके ये कौन सा पॉलीगॉन था के जी मीटर स्क्वायर चाहिए यहाँ पे जिस वजह कपल पॉलीगॉन कपल पॉलीगॉन ओके okay. यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन आएगा अब फोर्स पॉलीगॉन वन सेंटीमीटर सॉरी वन इंटू टेन करेंगे सॉरी वन इंटू फाइव वन इंटू फाइव 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 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे ओके okay, पॉजिटिव है हुँ. तो उसी डायरेक्शन में बनाओ जिस डायरेक्शन में मास ए लोकेटेड है राइट right, साइड right, 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 कितना सेंटीमीटर बनाएंगे फाइव right, सेंटीमीटर ओके okay. उसके बाद में यहाँ पे ओ नाम देंगे यहाँ पे ए ये वन लिखेंगे भले ही फाइव सेंटीमीटर बनाए हम लिखते वक्त वन लिखेंगे उसके बाद में नेक्स्ट आर एल अपॉन ओमेगा स्क्वायर ये बना नहीं सकते तो वन पॉइंट टू बनाएंगे वन पॉइंट टू को क्या करेंगे सिक्स तो सिक्स किसके लिए बी के लिए प्लेन बी पैरेलल बनाते हैं ओके okay. तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग कितना सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर ये बी है यहाँ पे मैं लिखूँगा वन पॉइंट टू आफ्टर दैट आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर ये बना सकते हैं अभी क्योंकि मेरे पास आर एम का भी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू है तो आर एम अपन ओमेगा स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या आएगा आर एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर एम की वैल्यू एट सिक्सटी टू पॉइंट टू एट डिवाइडेड बाई ओमेगा थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स वन का स्क्वायर एट सिक्सटी टू पॉइंट टू एट डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स वन का स्क्वायर जीरो पॉइंट सिक्स सेवन नाइन नाइन ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन नाइन नाइन ओके अब इसको फाइव टाइम्स जूम कर देते हैं ड्रॉ करने के लिए थ्री पॉइंट थ्री नाइन यानी थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे इस एम प्लेन को पैरल ओके okay. ये कौन से डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है तो हम ऊपर की तरफ कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे बच्चों थ्री पॉइंट फोर इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर हमें इसे ड्रा करना है तो ये ड्रॉ हो गया थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर इसको नाम दे देंगे ए बी हो गया ए एम एम नाम दे। उसके बाद में ये हो गया ये हो गया ये भी हो गया तो तीनों एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन एक, दो, तीन, तीन ही ड्रा किया क्या हाँ जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव ड्रा करना बाकी है जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव सी के लिए जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव इंटू फाइव वन पॉइंट एट सेवन वन पॉइंट एट सेवन यानी वन पॉइंट नाइन सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे किसको सी को सीक्वेंस गड़बड़ हो गया कोई फर्क पड़ता नहीं ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ जाते हैं कितना सेंटीमीटर वन पॉइंट नाइन तो 1.9 सेंटीमीटर हम नीचे चले जाएंगे चले गए उसके बाद में ये 1.9 गए मैं ये कितना गया 0.6799 अब इसको मैं जोड़ दूंगा ये 1.9 नहीं लिखना था 0.375 ड्रॉ करते हो वन पॉइंट नाइन था ये जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव इसको डॉटेड ज्वाइन कर देते हैं ओके ये कितना सेंटीमीटर है मेजर कर लेंगे ये थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव है तो ये जो है ये थ्री पॉइंट फाइव इक्वल टू क्या है लेकिन ये आर एल अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर एल अपॉन ओमेगा स्क्वायर तो आर एल क्या है थ्री पॉइंट फाइव इंटू ओमेगा स्क्वायर तो थ्री पॉइंट फाइव ओमेगा की वैल्यू क्या है थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स वन का स्क्वायर तो मैं कर देता हूँ थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स वन का स्क्वायर इंटू थ्री पॉइंट फाइव तो आंसर ओके okay, इसको दो मिनट है उसको स्केलिंग करना जरूरी था वो किया नहीं को क्या करना है 5। तो 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 ये ये क्या होगा तो नहीं लिखना चाहिए था, मैंने लिखना चाहिए चाहिए था था तो मैंने ऐसी हो जाती है into omega square, ये आएगा ओके पे का एट एटी सेवन पॉइंट फाइव आर एल का वैल्यू है एट एटी है कोई प्रॉब्लम नहीं सही है अब टेक्स्ट बुक में आइडियल आंसर दिए हुए हैं दोनों आर एम और आर एल दोनों इक्वल आ रहे हैं ओके okay? लेकिन मेरे नहीं आ रहे क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है इसमें एरर्स आ सकते हैं तो मेरे लगभग लगभग सेम है एट सिक्सटी टू है न्यूटन है एट एटी सेवन न्यूटन है तो जितना एक्यूरेट आप ड्रॉ करोगे उतना एक्यूरेट आंसर्स आएंगे